हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू ऑटो ग्रिड इंडिया। तो आज हम बात करेंगे टाटा 1613 सीएनजी बस के बारे में। तो इस वीडियो के अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में बात करेंगे, इसकी प्राइस के बारे में, इसके ग्रॉस व्हीकल वेट के बारे में और इसके अंदर कितने आपका जो सीएनजी गैस आता है उसके बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आते हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को जरूर शेयर करना। अगर आपको किसी भी ट्रक या बस की या फिर किसी भी व्हीकल की वीडियो देखनी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये चेचिस वाला मॉडल है, वो काउल फेस के साथ, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये पूरा आफ्टर मार्केट बन के आएगा। तो इसके चेचिस के रिगार्डिंग ही इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, चेचिस के डिटेल्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले इसकी प्राइस से स्टार्ट करते हैं। तो इसकी एक्सशोरूम प्राइस है 28,70,000 रुपये और जिसका ग्रॉस व्हीकल वेट है वो 16,200 किलो है। तो फ्रंट से कुछ इस तरीके का इसका चेचिस दिखता है। कंपनी यहाँ पे आपको दो हेलोजन बल्ब प्रोवाइड करती है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और यहाँ पे फ्रंट में आपको बम्पर मिलता है और जो बम्पर है वो काफ़ी स्ट्रांग है। यहाँ पे आपको फ्रंट में दो हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं वो भी साइड इंडिकेटर के साथ, यहाँ पे आप देख सकते हैं। लेकिन आफ्टर मार्केट बनने के बाद तो ये पूरा चेंज हो जाता है। तो जो कंपनी प्रोवाइड कर रही है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर प्रोजेक्टर भी लग जाते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और जो फ्रेम मिलता है वो लैडर टाइप मिलता है, और जो टायर मिलता है इसके अंदर आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है 295/80R22.5 के। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी अच्छा टायर सेक्शन मिलता है इसके अंदर आपको, यहाँ पे दो आगे मिलते हैं, चार पीछे और एक स्पेयर व्हील मिलता है लास्ट में आपको। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इसका स्पेयर व्हील है और रियर से कुछ इस तरीके की दिखती है। इसके अंदर रिवर्स पार्किंग सेंसर्स नहीं मिलते हैं, यहाँ पे रियर लाइट्स इसकी, एक इंडिकेटर, एक ब्रेक लाइट और एक पार्किंग लाइट मिलती है इसकी, ये कह सकते हैं रिवर्स लाइट मिलती है। और ये इसका है सीएनजी टैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 1, 2, 3 और अपोजिट साइड भी आपको सेम ही टैंक्स मिलते हैं। तो टोटल 801 लीटर की यहाँ पे सीएनजी इसके अंदर आ सकता है। इसको आप केजी में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा केजी में कितना होता है ये। बाकी काफ़ी ज़्यादा है और लंबे रूट्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये देखिए, और 2 12 वोल्ट की बैटरी मिलती है जो कि बैटरी कट ऑफ स्विच के साथ आता है, और जो टोटल वायरिंग वगैरह है वो काफ़ी शानदार की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टाटा ने काफ़ी अच्छी वायरिंग की है यहाँ पे। और ये आप एक बार इसका पूरा चेचिस देख सकते हैं। और इसके अंदर आपको जो सस्पेंशन मिलता है वो व्हीलर सस्पेंशन मिलता है फ्रंट और रियर में दोनों में, लेकिन आप इसके अंदर एयर सस्पेंशन भी ऑप्शनल ऑप्ट कर सकते हैं, वो आपको कंपनी को बोलना पड़ेगा, और आप ऑप्शनल में है वो आप भी ले सकते हैं फ्रंट और रियर में दोनों में ही एयर सस्पेंशन। एक बार आप फ्रंट में देख सकते हैं, और जिसका सस्पेंशन सेटअप है वो काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल मतलब कह सकते हैं आप इजीली बम्प्स को एब्जॉर्व कर लेगा, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। बट डिपेंड करता है आप कौन सा लेते हैं, एयर सस्पेंशन लेते हैं व्हीलर सस्पेंशन लेते हैं। और जो इसकी लेंथ मिलती है आपको वो 11,465 mm की लेंथ मिलती है, और ये है इसका इंजन। इसके अंदर आपको 5.7 लीटर का 6 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलता है जो कि 129 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 405 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करता है। वहीं पे इसके अंदर आपको जो क्लच मिलती है 330 mm डाय की क्लच मिलती है, और जो व्हील बेस है वो 5,845 mm है इस बस का। और एक बार आप यहाँ पे ओवरऑल लुक देख सकते हैं, काफ़ी शानदार तरीके से बिल्ट है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है टाटा की, चाहे आप कार्स देखें चाहे ट्रक्स देखें, दोनों में ही टाटा की बिल्ड क्वालिटी बहुत सॉलिड होती है, बहुत ही अच्छा मटेरियल यूज़ करते हैं ये। अब एक बार इसके कैबिन में दिखा देता हूँ, वैसे तो कैबिन भी पूरा आफ्टर मार्केट बनता है लेकिन क्या क्या टाटा प्रोवाइड करती है वो मैं बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको सीट मिलती है, और जो सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छी सीट मिलती है, और जो सीट बेल्ट मिलती है वो भी इनबिल्ट मिलती है इसके अंदर। और यहाँ पे आप स्टीयरिंग व्हील देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्टीयरिंग व्हील मिलता है, टाटा को ये ट्रक्स के अंदर भी देना चाहिए, बहुत ही अच्छा है, होल्ड बहुत ही अच्छे से होता है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये इसके हैंड ब्रेक लीवर और बाकी लाइट्स वगैरह के, ABS वगैरह के कंट्रोल्स हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं हैजार्ड लाइट वगैरह के कंट्रोल्स हैं, और ये लाइट्स के कंट्रोल, ये वाइपर्स के कंट्रोल हैं इसके, और ये इसका इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर
ठीक मिलता है, बीच में एक अच्छा खासा बड़ा MID मिलता है जिसके अंदर कितना फ्यूल है, कितनी बस चली है, कौन से गियर में है, सब कुछ दिखा देता है, प्लस स्पीडोमीटर, RPM मीटर, टाइम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। और नीचे से आप एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि एक बहुत ही अच्छी चीज़ है। ड्राइवर को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, सारी इन्फॉर्मेशन उसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिख जाएगी। और ये इसका गेन ऑफ लीवर यहाँ पे आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा इसके अंदर आपको गेन ऑफ लीवर मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।